मैं अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सके, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चलो अब्बा के पास इतने पैसे, अब आपने घर क्यों बेच दी? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहां घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे, मॉडल स्टील। आओ एक मजबूत घर बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मियां। प्रोग्राम ख्वाबों से तकदीर तक के इस सफर में मेड इन पाकिस्तान एंड बिलीव इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि एशियन ट्रेड टीवी का मकसद पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को इंटरनेशनली और नेशनली प्रमोट करना है, और इस सिलसिले में आपको पता है हम डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट अपने स्टार से, अपने इंडस्ट्रीज के उन फाउंडर्स से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपनी इंडस्ट्री में रहते बहुत मुकाम बनाया होता है बल्कि मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा काम और नाम होता है उनका। आज इस सिलसिले में एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ मैं मौजूद हूँ। 161 मेरी एपिसोड होने जा रही है। यकीनन जब अगर मैं उनका तारुफ भी कराना चाहूँगा तो यकीन मानिए कि उनके क्रेडिट्स, उनके पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है। शायद वो उससे खुद कहीं बड़े इंसान हैं, क्योंकि बहुत ही प्यार करने वाले दोस्त हैं मेरे, दोस्तों में से पुराने दोस्तों में से हैं, मेरी फील्ड के वो साथी हैं। मुझे आज भी वो याद है कि जब मैंने इस फील्ड में कदम रखा था तो मैंने जो पहला डोर ओपन किया था CO2 CO मिलने के लिए, वो शायद वही साहब थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गोल्डन थॉट्स एडवर्टाइजिंग, जो कि आप सब लोग उससे, जो इस इंडस्ट्री को समझते हैं एडवर्टाइजिंग के, उससे वाकिफ है। गोल्डन थॉट्स के रूह रुवाब फाउंडर राणा रौब साहब। राणा रौब साहब के क्रेडिट्स में और भी बहुत चीज़ें हैं। आजकल वो दियारे गायर में पाकिस्तान के लिए क्या करें, पाकिस्तान के अम्बेसडर के तौर पर सॉफ्ट इमेज के लिए क्या करें, यह जानेंगे हम ख्वाबों से तबीर तक के सफर में, मेरे साथ रहिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम राणा साहब, वेलकम टू माई शो ख्वाबों से तबीर तक का ये सफ़र है, और मेरे सामने राणा रौब साहब है। राणा साहब, मुझे वो वक्त याद है जो मैंने अभी अपने इंटरव्यू के स्टार्टिंग में भी कहा, ईडन सेंटर, और माशाल्लाह यही मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे सामने था, और मैं एशियन लाइफस्टाइल मैगजीन के इशू के साथ एज ए CO2 CO नॉट एम्प्लॉयड टू एम्प्लॉय, यानी कि मैं आपके सामने था। हमारी कोई डिस्कशन हो रही थी तब भी कैनेडा के ऊपर, सॉफ्ट इमेज के लिए हम दोनों जा रहे थे कोई काम हो। तो राज सब लोग जानना चाहेंगे एडवर्टाइजिंग की फील्ड ही क्यों आपने चुनी, क्योंकि ये उस जमाने में भी ये बड़ा सीरियस सा सब्जेक्ट था और अब भी है। तो अब तो एडवर्टाइजिंग की बाउंड्रीज ही कुछ नहीं ना वर्ल्ड में फैल चुकी है, तब तो बड़ी स्पेसिफिकली बाउंड्री थी, यानी प्रिंट मीडिया तक ही महदूद थी। तो राज साहब थोड़ा सा बताइएगा मेरे व्यूअर्स को कि ख्वाबों से तबीर तक ये सफ़र, आखिर ये सफ़र शुरू कहाँ से हुआ था? अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने बड़े बड़े नामों में आपने मुझे, जो आपने प्रोग्राम किए माशाल्लाह मैं देखता रहता हूँ, और वो बड़ी अच्छी पर्सनैलिटीज, बड़ी ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं, और आप भी उनमें से ही हैं, तो आपने मुझे याद रखा और आज माशाल्लाह तशरीफ लाए। तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि बड़े लंबे अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई इसी बहाने, और उसके बाद मैं आपको कंग्रेचुलेट करूँगा क्योंकि एशियन लाइफस्टाइल अब एक ब्रांड बन चुका है। तो ख्वाबों से तबीर की शक्ल में हो या फिर शुरू में जब आप आए थे तो मुझे उस टाइम भी ये इतना अट्रैक्ट किया था कि दिल करता था कुछ किया जाए इसके लिए। एशियन लाइफस्टाइल क्या बात है, इसमें एक पूरा थीम है। तो अल्लाह ताला आपको और कामयाबी दे और मज़ीद आप अल्लाह ताला कामयाबी में इजाफा। दूसरा सवाल आपका ये था कि जी एडवर्टाइजिंग, सॉरी सवाल क्या था आपकी, ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई है एडवर्टाइजिंग की, और ये बाय एडवर्टाइजिंग फील्ड ही क्यों? सही बात। अच्छा, एडवर्टाइजिंग का किस तरह आया जी ख्याल मेरे दिल में? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जी BSc में पंजाब यूनिवर्सिटी में टॉप किया हुआ है। तो वालिद साहब क्योंकि शहीद हैं, पाकिस्तान की तरफ से 3 जंगें लड़ चुके हैं, बल्कि उससे पहले ब्रिटिश की तरफ से भी, तो 99% चांसेस थे कि मैं आर्मी में जाता। तो बल्कि मेरे इंटरव्यू भी हुए लेकिन मेरा कुछ दिल नहीं माना उधर।
तो उसके बाद फिर मैंने चूंकि एक MBA उस टाइम लेना शुरू हुआ था तो वो मैंने किया। अब मुझे पता चला बाद में कि मैंने सही फैसला किया था, क्योंकि मैं बजाय कि मैं किसी सरहद पे खड़ा होकर शहीद हो जाऊँ, और आजकल की जगह तो ऐसी ही है, तो वो शहादत के ज़ुमरे में आती हैं या नहीं आती ये अल्लाह जानता है, लेकिन उसकी बजाय मैंने ये इरादा किया कि मैं लोगों की जानें बचाऊं, लेकिन मैं फाइनेंसेस या इकोनॉमी के ज़रिए बचाऊं, और मैं कोई ऐसा काम करूं कि जिससे पाकिस्तान की पहचान हो, पब्लिक को कोई फ़ायदा हो, और कोई एक ऐसा काम ना हो कि मैं रोज़ एक ही काम करूं। और चूंकि फौजी का बेटा था तो कुछ करने की जस्तजू होती है, मेहम जोई जिसको कहते हैं, तो इसमें सिर्फ मार्केटिंग एक बहुत फील्ड है जिसमें, और एडवर्टाइजिंग स्पेशली, इसमें हर रोज़ आप एक नया चीज़ कर रहे होते हैं, एक्सपीरियंस का साथ एक्सपीरियंस साथ, एक नई मुहिम होती है, एक नया चैलेंज, एक नया टारगेट, एक नई चीज़, उसमें आपने कामयाबी लेनी होती है। आप ब्रांड के कोई सोप है, कोई कपड़ा है, कोई पर्सनैलिटी है, जो कुछ भी है, आपने एक चीज़ कामयाब नहीं हो रही है, आपने उसको कामयाब बनाना है, उसका इमेज अच्छा करना है, उसकी सेल बढ़ानी है, क्रिएटिविटी के साथ, तो एक बड़ा मज़ेदार फील था जिसमें कि आपका थाट्स जो है वो पूरी दुनिया देखती है, और कोई बाकी सारे फील्ड ऐसे हैं जो कि एक कमरे में महदूद होते हैं। ये बहुत ऐसा फील्ड है, आपके पास अगर अच्छे आइडियाज़ हैं तो दुनिया से फ़ायदा उठाती है, तो इसलिए मैंने प्राइजिंग का ये सफ़र शुरू किया। और सबसे ब्लेसिंग की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पाकिस्तान की सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी ओरिएंट मकैन जी, उसमें मुझे वहाँ से मैंने सबका आगाज़ किया, और पाकिस्तान में जिन्होंने एडवर्टाइजिंग और सहाफ़त शुरू की मैं उनका शागिर्द हूँ, बाबा साहब सहाफ़त अब्दुल मौलवी अब्दुल हक साहब के पोते एस एच हाशमी साहब, क्या बात क्या बात, और एस एच हाशमी साहब का मैं शागिर्द हूँ, फिर उनके बेटों ने टेक ओवर कर लिया, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वो सोबतें नसीब हुई बड़ों की एडवर्टाइजिंग में और मार्केटिंग में, जो शायद किसी को नसीब हुई हो। और फिर दूसरी साइड पर अगर मैं जाता हूँ क्लाइंट साइड पर, तो वहाँ भी बड़े दरवेश सिर्फ मुझे बिजनेसमैन मिले, और उनकी भी क्या बात थी, किताबें उन पर रिसर्च लिखी जा चुकी हैं, लम्स में उनके मकाले PhD में शामिल हैं, हाजी बशीर साहब में नाम जहाँ करूँगा उनका, अल्लाह ताला उनको जन्नत अल फ़िरदौस में जगह अता फरमाए, उन्होंने मुझे उंगली पकड़ के बिजनेस में दाखिल किया, और मुझे कामयाबी के कारोबारी सारे अमूर मुझे सिखाए, राज भी बताए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि पहचान, यानी कि ख्वाबों का सिलसिला ये भी जारी है, सफर की तबीर की तरफ जा रही है। सफ़र तो शाह साहब ख़त्म ही नहीं होगा, ये सब ख़त्म होगा मौत के साथ ही, और मौत के साथ भी ख़त्म नहीं होगा, फिर अल्लाह ताला का स्टार्ट उठना होगा, आखिरत का स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो थॉट्स हो, वो थॉट्स तो दूसरी है कि आपने दुनिया में क्या किया है। तो राज साहब यही वो थॉट्स है जिसके ऊपर गोल्डन थॉट्स की बुनियाद रखी है। आज अलहमदिल्ला कितनी देर होगी इस सफ़र को इस फील्ड में रहते हुए राज साहब, क्योंकि मैंने देखा है उसी दौर की मैं बात करूँ अगर, तो कुछ ऐसे लोग भी देखे जो आज नहीं है उस फील्ड में, छोड़ गए, यानी कि देखिए बहुत कम लोग हैं ऐसे आपकी तरह जो आज भी इस फील्ड में रहते हुए ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अगर मैं इंटरनेशनल भी कहूँ, आपने अपना नाम बनाया है और काम कर रहे हैं आप, इसमें कोई शक नहीं। तो बचपन की वो कोई याद, क्योंकि ये सफ़र है ख्वाबों से तबीर तक का, तो बचपन में ये ख्वाब था कि कुछ ऐसा करना है? बिल्कुल था, क्योंकि ये हमारे लोग जो है ना बच्चे आजकल जो शॉर्टकट चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे लेजेंड्स हैं किसी फील्ड के भी, उनकी स्टोरी, सक्सेस स्टोरी क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग सफ़र है जी, गांव से तल्लक है, मिडिल क्लास फैमिली है, और मेहनत का जज्बा और ये सारी चीज़ें जो है वो दिमाग में थी, विजन क्लियर, विजन क्लियर, पता था कि अगर वालिद साहब ने पाकिस्तान के लिए जान दी है, जब उन्होंने नाम रोशन किया, क्योंकि हमें सैल्यूट ये आता है 6 सितंबर को पाकिस्तान आर्मी की तरफ से बुलाया जाता है, बड़ी ऑनर दी जाती है, तो दूसरी वालदा साहबा की सोहबत ऐसी थी कि वो हमें सलाहुद्दीन अयूबी की उस टाइम कहानियाँ सुनाती थी जब हम बच्चे थे दोस्त में, तो वही जज्बा दिमाग में था कि हम मैं कुछ करूँ, बड़े होकर कुछ ऐसा काम करूँ जो मैं भी पहचान बनूँ, प्राउडली फील हो मेरे वालिद की तरह या फिर हमारे मुस्लिम हीरोज की तरह। तो बड़ा उसके लिए मेहनत की गई, मैं गांव से निकला, शहर आया फैसलाबाद, फैसलाबाद से लाहौर, लाहौर से टोरंटो, और ये सफ़र जारी है, और बस यही है कि मरने से पहले कुछ ऐसे काम हो जाएं कि दुनिया जा सकते।
दुनिया याद करे। राज साहब, नो डाउट आप एक सच्चे पाकिस्तानी हैं और आपकी सोच पाकिस्तान के लिए जहाँ भी आप जाएँ, क्योंकि आपकी आंखों में वो नमी और मैं उस नमी की झलक देख रहा हूँ, तो ये वाकई एक सच्चे पाकिस्तानी के लिए हो सकती है जो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता है और कुछ करेगा इंशाल्लाह। जी नाज़िम, आप देख रहे हैं राणा रऊफ साहब मेरे साथ मौजूद है, बहुत बड़ी शख्सियत है, इनके ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू हैं जो आज से पहले आप किसी और इंटरव्यू में नहीं देखे होंगे। राणा साहब, बात हो रही थी ब्रेक से पहले कि आप सच्चे पाकिस्तान हैं, इसकी गवाही मैं क्या सभी करते होंगे, क्योंकि आपने हमेशा पाकिस्तान के लिए सोचा, पाकिस्तान के लिए काम किया, अच्छा काम किया, कर रहे हैं। राणा साहब, वो जो प्रोजेक्ट्स थे जिसके ऊपर आप सोचते थे, वो ये ख्वाबों की बात हो रही थी, फिर एक टाइम ऐसे आता है, सोचते तो बहुत सारी दुनिया है, सब कुछ सोचती है, फिर एक टाइम ऐसा आता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसकी एग्जीक्यूशन, तो उसको बताइएगा, वो बड़ा इम्पोर्टेंट बर्तला है। काइंडली शाह साहब, अल्हम्दुलिल्लाह कि आप पहले वाले सवाल के एडवर्टाइजिंग ही क्यों चूज़ की, तो उसका भी जवाब दे दिया कि मेरा बहुत ऐसा फील्ड है जिसमें अब अपनी थॉट्स जो है वो लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो सबसे ब्लेसिंग ये हुई कि मुझे एक साइड पे ओरिएंट के इतने अच्छे लोग मिले, दूसरी साइड पे क्लाइंट्स तारा जैसे मिले, और उनको मैंने आइडियाज़ दिया कि अगर मैं तो ज़रूरी नहीं था कि आर्मी में जाके मैं कोई कौम की खिदमत कर सकता हूँ, मैं इधर रह के भी कर सकता था और कर रहा करूँगा मैं। तो मैंने अपने कॉन्सेप्ट में जो हम लोग कंसीव करते थे, तो उसमें मैंने नेशनलिज्म को प्रमोट किया, अपनी मिट्टी से प्यार करने का मैसेज दिया, इस्लाम से के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का मैसेज दिया। मिसाल के तौर पे अब्दुर्रऊफ रूफी साहब पहले वो गज़ल गाया करते थे, तो नात को भी वो, हाँ जी, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शर्फ हासिल हुआ कि उनकी सबसे पहली नात जो है जिस पे उन्होंने सदारती अवार्ड भी लिया, और मुझे भी अल्लाह ने उमरा करवाया उसके फ़ौरन बाद बड़े अवार्ड मिले, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, वो पाकिस्तान में पहली नात थी जिसका के बकायदा नात का वीडियो बना था, उसके बाद नात की एक खैर बकायदा इंडस्ट्री बन गई, वो भी ये गलत बात थी कि बाद में म्यूज़िक शामिल हो गया, लेकिन उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन नात को मैंने एक कमरे से निकाल के एक बाहर लेकर गया। तो लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो यूथ थी उस टाइम कोका कोला का म्यूज़िक का थीम था, तो मैंने फिर सितारा को थीम दिया था इस्लाम की प्रमोशन का इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट, तो उसमें एक नात भी थी, जैसे लोगों के जो यूथ के जहन है वो चेंज हुए और उसने नात जो है ना पढ़ना, उसे मोहब्बत करना शुरू कर दिया। उसके बाद जितनी कंपेन्स होती थी, कर्ज उतारो मुल्क संवारो, कोई इस तरह की कंपेन्स भी आई, उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसके बाद मेरी वालदा की जब डेथ हुई, तो मैंने उनको ट्रिब्यूट देना था, तो मुझे मियाँ अजीज साहब ने कहा कि मैं आपके साथ हूँ, आप जो भी करना चाहते करें। तो मैंने पाकिस्तान में सबसे पहले मदर डे स्टार्ट किया 2006 में, इससे पहले पाकिस्तान में मदर डे नहीं मनाया जाता था, तो उसमें इतनी माओ की दुआएं आई मेरे पास और ख़त आए, लेटर्स आए कि आप एक और प्रोग्राम भी करें, उसमें भी मुझे अवार्ड मिल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें ये था कि जो बच्चे माओ की इज़्ज़त नहीं करते थे, जो माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, तो वहाँ उन्होंने सीखना शुरू कर दी, करना शुरू कर दी, उसमें बड़ी स्टोरियाँ भी बाद में भी मिली। इसके बाद इसको मैंने कोई रिलीजियस प्रोग्राम्स की ही प्रोडक्शन करता था, और मेरे जितने कॉन्सेप्ट उठा कर दे रहे हैं, किसान का मैंने एक कमर्शियल बनाया, तो राहत फ़तेह अली खान साहब से मैंने करवाया था, ऋचा शर्मा इंडिया से, और वो था उसका कॉन्सेप्ट क्या था, धरती को प्यार दो धरती से प्यार दो, और वो इतना अच्छा हिट कमर्शियल हुआ, धरती को तो प्यार हमने दिया ही दिया, उनकी सेहत बड़ी ज़बरदस्त हुई क्योंकि वो एक धरती से अटैचमेंट थी। इसके बाद आप मेरे जितने भी कमर्शियल उठा लें, मेरा लेटेस्ट जो है अभी जावी का एक कमर्शियल है, तो उसमें जब कोरोना था तो मैंने बिरूने मुल्क रहने वाले लोगों को पाकिस्तान आने के लिए मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट दिया कि आप वापस आएँ और इधर आके मेहनत करें और आप इधर से धरती को रिटर्न करें। इसके अलावा जो भी उठा लें आप मेरी कंपेन, उसमें से आपको पाकिस्तान का और पब्लिक सर्विस मैसेज मिलेगा। और फिर हमने बाकायदा ज़कात पे, नमाज पे और जितने इस्लामी शायर हैं अहकामात हैं, उस पर मेरी कंपेन्स मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना वो जो जज्बा था कौम की खिदमत का, वो मैंने कंपेन्स की शक्ल में डाला। और आखिरी बात, पाकिस्तान से बाहर भी जाके यही काम अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं करने की। अभी हॉकी की मज़े की बात है कि हॉकी ख़त्म हो चुकी थी पाकिस्तान में, दो साल पहले हॉकी का नाम भी नहीं था, तो हमने वहाँ शहबाज़ जूनियर साहब मेरे दोस्त हैं कैनेडियन, हमने एक प्रोग्राम बनाया कि जी हम जितने पुराने सीनियर्स हैं उनको बुलाते हैं और कनाडा की टीम के साथ मैच करवाते हैं।
तो हमने वो सब शहबाज आसफ बाजवा, शहबाज सीनियर, शहबाज जूनियर, ये सारे जितनी वर्ल्ड कप की टीम थी वो उधर बुलाई और हमने उनके साथ उन जो बच्चे हमारे पाकिस्तानी हैं वहाँ उनको दिखाया था कि आपके हीरोज हैं, ये हमारा प्राउड थे, हम ये हमारी नेशनल गेम है, आप इनसे प्यार करें और वहाँ क्लब बन गई। वो क्लब बनते बनते अब लोग वहाँ खेल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उस मैच के बाद पाकिस्तान वालों को भी थोड़ा सा सोचा वो फेडरेशन एहसास हुआ, क्योंकि फेडरेशन के साथ मेरे भी तलकार चल रहे थे, रिलेशन के वो कोऑर्डिनेशन चल रही थी सॉरी। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो इस दफ़ा हॉकी टीम ने बड़ा ठीक ठाक परफॉर्म किया। तो कोशिश करते हैं कि जिस प्लेटफॉर्म पे भी हो तो मुद्दा एक ही है, इस्लाम, पाकिस्तान और इस्लाम, सबसे पहले पाकिस्तान और इस्लाम। नहीं, नो डाउट, मैंने तो पहले कहा एक सच्चे पाकिस्तानी और अपने काम को समझने वाला पाकिस्तानी मेरे सामने बैठा है, आपका बहुत बड़ा काम है, नो डाउट राना साहब, मैं इसकी तस्दीक करता हूँ। लेकिन एक काम ऐसा है, जब भी माँ के मुतल्लिक कोई ऐसी बात होती है ना, और माँ का जो भी प्रोजेक्ट है ना, उससे शायद हम दोनों के एहसास कुछ इस तरह के जुड़े हुए हैं। तो मैं यानी कि वो आपका एक दो प्रोग्राम देखे, मैं बेसाख्ता, मैं खुद भी उसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था जो माँ के ऊपर थी। तो फ्यूचर में भी इस तरह के कुछ, हमने जी एक अभी अल्फ टीवी का नाम सुना होगा जी जी, वो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम उस पर ऐसे ही प्रोग्राम स्टार्ट करने लगे हैं करेक्टर बिल्डिंग पर। और आपको मैं नूर हसन साहब जो कि बहुत अच्छा मेरे साथी हैं और हमारे हर प्रोग्राम में सीनियर काफ़ी काफ़ी हैं, हम रात इकट्ठे थे 2 बजे तक यही गुफ्तगू करते रहे कि हमने इस्लाम को कैसे फैलाना है, करेक्टर बिल्डिंग कैसे करनी है। और वो बता रहे थे कि मैंने उस शोज के 2006 में शो किया हमने, कि ना साहब वो जो शो था उसमें आपकी वालदा मौजूद थी और वो मैं सिर्फ एक वो जो तख्ता सा था स्टेज बनाया हुआ था उस पर बैठा हुआ था और वो उसमें इतने बड़े बड़े लोग आके बड़ी बड़ी बातें आपने बारे में कर दे जो छपाते थे, अनवर मसूद साहब, मुजीब रहमान शामी साहब और पता नहीं कौन कौन से लोगों ने अपनी माओ से अकीदत का इजहार किया। वो इतना हिट हुआ था कि वो कहते हैं उस तरह का प्रोग्राम मैंने पूरी ज़िंदगी में किया, मुझे बड़े चैनल्स ने बुलाया, एयर वाई ने, जियो ने, सब चैनल्स ने बुलाया, वो कॉस्मेटिक लुक दे देते थे, लेकिन वो जो आपने प्रोग्राम किया आज तक मैं नहीं कर पाया। तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं वो प्रोग्राम दोबारा करूँ, तो हम इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा से स्टार्ट जी, वो मेरी भी ख्वाहिश है, आप ज़रूर कीजिएगा सर। उस टाइम की एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग और अब की एडवर्टाइजिंग में क्या मेजर रोल फ़र्क आपको समझ आ रहा है, क्योंकि ज़माना बदल गया है, तब डिजिटल भी नहीं था जब हम लोग, ज़मीन आसमान का फर्क, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो क्या वो रवायती जो ट्रेडिशनली हमारी एडवर्टाइजिंग कॉन्सेप्ट था वो रहेगा बरकरार, कि तमाम लोग इसके ऊपर कन्वर्ट हो जाएंगे? होने तो चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ लोग बदलना नहीं चाहते, ना मार्केट बदलना चाहती है, बदलवाना चाहते हैं, यानी एक्सेप्ट नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते। तो हम आज भी जो, क्योंकि हमारी क्रेडिबिलिटी नहीं है न्यूज़ की स्पेशली, तो लोग टेलीविजन नहीं छोड़ेंगे जब तक लोग अपना मीडिया चेंज नहीं करते, अपनी मीडिया हैबिट्स चेंज नहीं करते, तो वो कल्चर 100% कन्वर्ट नहीं होगा डिजिटल में, ये चलता रहेगा। पाकिस्तान स्पेशली डेवलपिंग कंट्री है, इसमें हो ये रहा है कि हर बंदा जो है सोशल मीडिया में आ चुका है, एडवर्टाइजिंग इंटायरली चेंज हो गई है। हम पोजीशन करते थे, क्रिएटिव स्ट्रेटजी बनाते थे, सेल स्टोरी करते थे, उसके बाद कहीं जाके कंप्लेन निकालते थे। अब क्या करते हैं, अभी आजकल के बच्चे हालांकि यूनिवर्सिटियों में सब ने मैथ कॉम शुरू कर दिया, लेकिन वो बच्चों के पास क्रिएटिविटी नहीं है, उनको पता नहीं है पोजीशन स्टेटमेंट क्या होती है, पंचलाइन क्या, कॉपी थ्योरी है, प्रैक्टिकली नहीं है, कुछ नहीं है, उन्होंने सिर्फ ये है कि बस कर देना है, बोल देना है, उसके पीछे कोई चीज नहीं है। तो क्वालिटी कम हो गई है सर, कुछ AI टूल की वजह से भी मामला खराब हुई है, कुछ मशीनों पे डिपेंड कर लिया गया है और मशीनें हर चीज़ का हल नहीं है, मशीन को चलाने वाला इंसान होता है और इंसान उसको मटेरियल देता वो बोलती है सर, उससे प्रोडक्शन तो अच्छी हो सकती है आपकी, उसके पास जो मटेरियल है उसमें से उठाएगा, फिर बेस्ट अल्फाज लेगा और वो निकाल देगा, लेकिन इंसान तो पता नहीं क्या क्या है, इंसान को अल्लाह की तख्लीक है, अल्लाह की तख्लीक है और अल्लाह की तख्लीक तो सबसे बेस्ट है, उससे कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। तो क्या देखते हैं सर फ्यूचर, फ्यूचर क्या, ये हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ये पहले भी कन्वर्ट हो रहा है, एज पर गूगल 2029 तक मेन स्ट्रीम मीडिया पीछे रह जाएगा डिजिटल मीडिया, यानी कि हमारे आपके घरों में जो टेलीविजन और LEDs हैं, LCDs हैं, ये जस्ट फॉर टॉय रह जाएगा, ठीक है? तो फिर कंपेन्स भी हमें उसके मुताबिक से सोचना पड़ेगा। ऐसा ही है, सारा ज़माना डिजिटल पर कन्वर्ट हो गया, स्पॉन्सर्स भी, ड्रामे भी, अब तो खवातीन भी यूट्यूब पर ड्रामे देखती हैं, तो
अच्छी बात है, आपके पास टाइम नहीं है रात के 8 बजे, आप जरूरी नहीं है घर बैठे हुए टीवी देखें, आप जब मर्जी अगले दिन मिस भी कर लें आप देख लेते हैं, एक ब्लेसिंग भी है ये, तो एडवर्टाइजर्स के लिए भी है और व्यूवर्स के लिए भी है। तो बाहर के मुल्कों में अच्छी, मैं आपको बताता हूँ कैनेडा में हम टीवी नहीं देखते, हम सिर्फ रेडियो सुनते हैं और वो भी सुनते हैं जब ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल है कि आस्ते आस्ते जी वो खत्म हो जाएगा और सिर्फ डिजिटल रहेगा, डिजिटल रहेगा और यही चलेगा आगे चलेगा, लेकिन इतनी जल्दी भी मीडियम चेंज होते जाएंगे, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होगा। जैसा पहले मैंने बताया कि पाकिस्तान में मीडिया हैबिट चेंज होने में बड़ी टाइम लगेगा, जरूर तो कर लेगी, जब तक आप ये हम लोग हैं हम लाजमी एथेंटिसिटी के लिए चैनल देखेंगे और उनके लिए थोड़ा बहुत कुछ होगा, ये नहीं होगा आपके एक सवाल है आपसे कि आप दोस्तों के दोस्त गिने जाते हैं, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। अच्छा, कोई तल्लुकात वाले बंदे हैं पाकिस्तान में, तल्लुकात दबाने वाले, रिश्तेदारियों वाले, ठीक है, एक सिस्टम का हिस्सा है, आप हमसे अचानक से दूर चले गए कैनेडा, ठीक है, आपने दूर जाके भी दोस्तों से रब्ता जरूर रखा है, लेकिन ये क्यों हुआ है, इतनी दूरी की वजह लोग जानना चाहेंगे कि राणा राव साहब कैनेडा में पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला, मैं बाहर गया नहीं हूँ, मैं इधर ही हूँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बिल्डिंग है, एक परसेप्शन है, मैं इधर ही हूँ, लोग सिर्फ फायदा उठाते हैं उसको बिजनेस में, राणा साहब चले गए हैं तो इनके क्लाइंट्स जो है कैप्चर किए जाए, ऐसी हरकत बात थी। मेरी टीम माशाल्लाह और मैं 24 घंटे जो है वो अवेलेबल होता हूँ और हर 2 महीने बाद इधर आता हूँ, 2 महीने इधर होता हूँ, 2 उधर होता हूँ, जाने की वजह सिर्फ कोई फैमिली प्रॉब्लम थे, इधर कुछ मुश्किल आई थी, कोई वजह किस वजह से शिफ्ट हुआ था, तो वो भी बता दें। शुरू में मैंने इमिग्रेशन अपनी वालदा की वजह से ली थी कि उनको कैंसर था तो वो मैं इधर वो नहीं हो सकता था प्रॉपर ट्रीटमेंट, तो मैं इसलिए वहाँ गया था, लेकिन जब मुझे पता चला कि वहाँ नहीं है, उधर भी यही है, तो डॉक्टर ने कहा कि कोई चक्कर नहीं, फिर मैं वापस आ गया, लेकिन दोबारा बच्चे हैं उनको मैंने कहा स्टडी इधर कर लें, तो इसलिए मैंने इधर पाकिस्तान नहीं छोड़ा, पाकिस्तानी हूँ और मैं इधर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, उधर तो सिर्फ फैमिली के लिए सिर्फ इंटरेक्ट कर रहा हूँ। सर आगे क्या प्लान है राणा रऊफ के एंड गोल्डन थॉट्स? उसी मिशन को आप आगे बढ़ाने लगा हूँ इंशाल्लाह जी, और अल्फ टीवी के जरिए आप बहुत जल्द इंशाल्लाह देखेंगे कि उसमें जो पब्लिक सर्विस मैसेजेस हैं या रिलीजियस कम्पेन्स हैं या फिर नेशनलिज्म पे, हम करेक्टर बिल्डिंग पे स्पेशली वो चैनल को हम खड़ा करने लगे हैं, और उसमें हर चैनल अपना अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में कोई ऐसा चैनल नहीं है कि जो कि करेक्टर बिल्डिंग पे काम करता हो, लेकिन अगर कोई करता भी है थोड़ा सा 20%, तो उसमें 80% वो दूसरी साइड पर ले जाते हैं, तो हम 100% ये काम इंशाल्लाह दोबारा स्टार्ट करने लगे हैं, और गोल्डन थॉट्स में उसके पार्टनर हैं उस क्रिएटिविटी में भी और मार्केटिंग में भी, तो गोल्डन थॉट्स का नेक्स्ट स्टेप जो है वो करेक्टर बिल्डिंग है नेशन की इंशाल्लाह। चलिए इंशाल्लाह, ये तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव होगा जब होगा। सर 100 इमेज के लिए और CSR के हवाले से राणा साहब क्या कर रहे हैं, ये बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वैसे हिडन अपना चीज़ होती है, ये सर लोगों को बताना चाहिए, आजकल इस्लाम में हमारे के दूसरे बंदे को तरगीब भी हो, ये अल्लाह और इंसान का तल्लक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसका जवाब सिर्फ यही दूंगा कि जो अल्लाह ने तौफीक दी है उसके हिसाब से मैं लोगों की खिदमत करता हूँ और हेल्प करते हैं, जिसको कोई रहनुमाई चाहिए उनको वो देते हैं, कोई फिनंशियल कोई मसला है या जो भी है वो अल्लाह और फिर वो रहनुमाई नहीं कर सकते। तो राणा साहब आपके बच्चों में से कोई बच्चा इस फील्ड में, क्योंकि आप अमूमन एडवर्टाइजिंग एक टाइम था कि एडवर्टाइजिंग फील्ड में आप अपने बच्चों को नहीं लाते थे क्योंकि हालात बड़े टफ भी देते हैं हम लोगों ने, तो अब तो ट्रेंड चेंज हो गया, अब तो लोग प्राउडली आते हैं, तो कोई बच्चों में से कोई? अच्छा, मैं जी वो मेरे बच्चों में वही बुलाटा है, मैंने बताया ना शहीद का, तो अभी भी मैं जब इंडस्ट्री रूज पे थी वो किसी इवेंट्स में नहीं जाते थे, किसी फैशन शो में नहीं जाते, तो आज भी वही उनके है कि पापा आप लगे रहें और आप ठीक हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो वैसे नहीं रहा, तो सही बात आप कर रहे हैं, अब वो बेटा शायद मैं भी पहले तो रजिस्ट करता था कि मैं नहीं आऊँगा, लेकिन मुझे वो ये भी नहीं कहता कि आप इसको बंद करें, इसलिए तो उसको पता है कि ये आप पापा एडवर्टाइजिंग में रह के मीडिया में रह के अच्छे काम करते हैं। अच्छे काम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बातें तो और भी बहुत सारी है देश प्रदेश की, लेकिन ये सफ़र जारी रहेगा ख्वाबों से तबीयत तक का ये सिलसिला, और मुझे उम्मीद है कि जो आपके ख्वाब हैं बाकी के, क्योंकि ख्वाबों के ऊपर ज़िंदगी, जिस दिन ख्वाब ख़त्म हो गए तो इंसान की बरकत नहीं रहती,
تو یہ خوابوں کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے انشاءاللہ. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے رانا روف صاحب میرے ساتھ موجود تھے, ایک سچے پاکستانی, نو ڈاؤٹ, ٹھیک ہے. اور جو سچا پاکستانی ہوتا ہے نا, وہ پتہ چل جاتا ہے اس کا ہر چیز, اس کا اپنے ملک کے متعلق ہوتی ہے سوچ. تو یہ سفر امید ہے خوابوں سے تبدیل تک یہ جاری رہے گا. اگلے سفر میں ایک نئے مہمان کے ساتھ اس سفر کو لے کے آگے چلیں گے. آپ میرے ساتھ بندے رہیے گا. اس کے ساتھ مجھے بھی اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. گڑیا رانی کے سر میں تیل ڈال دوں. ساری دنیا کے پیرنٹس اپنے بچوں کی ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ باہر جا کے سیٹل ہو سکیں, اور ہمارے یہاں محبت کا مطلب ہے سر میں تیل ڈال دو. چلو. ابا کے پاس اتنے پیسے؟ ابا آپ نے گھر کیوں بیچ دی؟ جہاں رشتے کمزور ہو جائیں وہاں گھر ٹوٹ جاتے. ایسے ٹوٹے ہوئے گھر کا مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ ذرا رشتوں کو مضبوط کیجیے. گھر کی دیواروں اور چھتوں کو تو ہم مضبوط بنا ہی دیں گے ماڈل اسٹیل. آؤ ایک مضبوط گھر بناتے ہیں.